किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट थोड़ा जल्दबाजी कर रही है, और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो अभी कुछ यात्राएं हुई, जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी, तो उससे थोड़ा सा विपक्ष हिला हुआ सा लग रहा है। के पहले भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष के लिए लगाए जाते हैं, विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के लिए लगाए जाते हैं। और अगर इसके रुख के अनुसार पर एक जिला एवं सत्र न्यायालय या जिसके आदेश के अनुसार या सजा के अनुसार उनका ये संसद सत्ता खत्म कर देना, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उचित नहीं था। आप छोटे छोटे बातों पे आप सदस्यता रद्द कर देंगे, तो मेरे लिए तो ये सही नहीं है। अगर देखा जाए तो सदस्यता रद्द करना नहीं है, आप एक्शन ले सकते थे, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते थे। इतने जल्दी अयोग्य घोषित कर देना नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के निर्णय से एक देश की छवि खराब होती है, क्योंकि राहुल गांधी केवल एक छोटे से कस्बे या वार्ड मेंबर या इस सब के रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक बहुत बड़े भारत की सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्य यूथ में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की और युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा सूत्र हमेशा से रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 4 साल पिछले केस के मामले में बीते दिनों राहुल गांधी के ऊपर 2 वर्ष की सजा का ऐलान किया गया। इसके साथ ही साथ आज संसदीय सचिव द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई। इस विषय को लेकर कि युवाओं का क्या कहना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मैं प्रशांत कुजूर, मैं जबलपुर से हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि सदस्यता के लिए रद्द कर दिया गया सदस्यता, तो मेरा मानना तो ये है पर्सनली कि किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट थोड़ा जल्दबाजी कर रही है, और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो अभी कुछ यात्राएं हुई, जो भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी, तो उससे थोड़ा सा विपक्ष हिला हुआ सा लग रहा है। और अगर सदस्यता रद्द करने वाली बात ये है कि आप मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर एक नई जो शुरुआत की गई है पार्टी के द्वारा, अगर विपक्ष अभी जब सत्ता में आएगी तो उनके द्वारा भी यही किया जाएगा। आप छोटे छोटे बातों पे आप सदस्यता रद्द कर देंगे, तो मेरे लिए तो ये सही नहीं है। अगर देखा जाए तो सदस्यता रद्द करना नहीं है, आप एक्शन ले सकते थे, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते थे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी है और मैं भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ही बहुत सारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं देता हूँ। मैं अभी जैसे मुझे न्यूज़ समाचार पत्रों के द्वारा देखा गया कि राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके पीछे कारण बताया जा रहा है उन्होंने कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया था मोदी जी के खिलाफ, और भी बहुत सारे केसेस मोदी सरनेम को लेकर के, हाँ मोदी जी सरनेम कर लेकर के, और उन्होंने कुछ नीरव मोदी और इनके साथ तुलना करके करी थी। तो ये सर्वविदित है कि भाई नीरव मोदी हों या बहुत सारे भी हों, उन्होंने एक कंपैरिजन के रूप में बताया हुआ था कि ऐसा देश में चल रहा है, और बहुत इसके पहले भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के लिए लगाए जाते हैं। और अगर इसके रुख के अनुसार पर एक जिला एवं सत्र न्यायालय या जिसके आदेश के अनुसार या सजा के अनुसार उनका ये संसद सत्ता खत्म कर देना, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उचित नहीं था। राहुल गांधी जी को कुछ समय के लिए समय देना था, क्योंकि हमको पता है कि जिस तरीके से भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका और न्यायपालिका के आदेश को मानते हुए करते हैं, लेकिन उनके पास समय था, वो उच्चतम न्यायालय जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपने पक्ष रख सकते थे, तो इस तरीके से उनके पास समय नहीं दिया गया। उनके प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि इतने जल्दी अयोग्य घोषित कर देना नहीं था, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह के निर्णय से एक देश की छवि खराब होती है, क्योंकि राहुल गांधी केवल एक छोटे से कस्बे या वार्ड मेंबर या इस सब के रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक बहुत बड़े भारत की सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, विपक्ष पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम मानते हैं कि भले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कोई और हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, परंतु आज भी गांधी परिवार का उस कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिसके वो वारिस हैं राहुल गांधी जी हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्य यूथ में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की और युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा सूत्र हमेशा से रहे हैं।
और इस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा इतिहास में भी जाना चाहूँगा। जब विपक्ष में इस बीजेपी की पार्टी हुआ करती थी, और यहाँ तक क्योंकि मैं इसमें जो जिक्र कर रहा हूँ वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य का ही जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया था कि एक बार जब नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अपने उद्बोधन में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को चर्चिल बोल दिया था, कि उन्होंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी आपके मुझे कभी चर्चिल दिखता है, कभी माउंटबेटन दिखता है, मतलब आपका जो चरित्र है वो मिश्रित चरित्र है। तब जवाहरलाल नेहरू जी उस चीज़ का बुरा नहीं माने थे, बल्कि उन्होंने बाहर आकर के अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ थपथपाई थी और बोला था कि आज तुम्हारे पास बहुत गुस्सा था और ये गुस्सा कायम रखना, क्योंकि अगर देश को विकास पर लेके जाना है तो एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो राजनीति इस तरह की हुआ करती थी, समय के परिवेश के बदलते साथ, बदलते हुए परिवेश के साथ राजनीति भी बदलती चली जा रही है, और हमें तो नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा था कि आप उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दें। यह हमारा है, बाकी संवैधानिक हैं, संविधान नियम कानून और कोर्ट हैं जिसमें राहुल गांधी जाएंगे और अपना उनके पास एक अपना खुद का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, उनके साथ बहुत सारे यूथ हैं और वो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना था, क्योंकि जो विदेशों में भी अगर हमारे भारत की जो छवि है इस तरीके से हमारे संविधान और इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, क्योंकि वो एक योग्य व्यक्ति हैं, हम उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़े सकते कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना अध्ययन पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हुई हैं जिनके लेवल पर सोचना, हम अभी उनके छोटे छोटे से गलतियां निकालते हैं, परंतु यदि हमने देखा है कि उनके पीछे का जो इतिहास है, उनका एजुकेशन है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और उनके अंदर जो संस्कार रहे हैं वो राजीव गांधी जी के ही संस्कार हैं। राजीव गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बहुत योग्य उम्मीदवार थे और उन्होंने देश बहुत अच्छे से चलाया, बहुत अच्छी तकनीकें दी हैं। तो इस तरीके से समय देना जरूरी था, जो उनको समय नहीं मिला और उनको संसद से आयोग घोषित कर दिया गया। उनके पास रास्ते हैं, अभी बहुत सारे संवैधानिक रास्ते लेंगे और जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स में एलिगेशन और पॉलिटिकल अट्रैक्ट की परंपरा तो जो है तो लगातार हर देश में रही है। लोकतंत्र जहां है तो वहां पर एलिगेशन से लगाए जाते रहे। विपक्ष में जब बीजेपी थी तब भी वो एलिगेशन से लगाए जाते थे, वर्तमान में भी लगाए जाते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात क्या राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है जिसकी वजह से इसको एक तरीके के तौर पर उपयोग किया गया है? हाँ, पहले जो उनकी एक छवि बनाई जा रही थी लोगों के बीच में कि अच्छे नेता नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जहाँ तक हम लोगों ने जो देखा है कि एक छवि अच्छी हुई है, तो विपक्ष को शायद इससे हो सकता है तकलीफ हो, ये पर विपक्ष जो है अपनी जो सरकार है मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार जो बोल सकते हैं, इनकी इमेज अच्छी है, इस तरीके की चीज़ें करके वो एक इमेज ख़राब जा रही है कि आप इतने अच्छे नेता को आप चुनाव में वैसे ही आप जीत के अपने आप को साबित कर सकते थे। तो सदस्यता रद्द करना तो मेरे हिसाब से कहीं सही नहीं लगता। अच्छा विपक्ष जब तक देश में नहीं होगा अच्छा लोकतंत्र भी नहीं हो सकता। आप किसी भी घर में किसी एक का शासन अगर चल रहा है ना, तो वो अपने हिसाब से किसी को कुछ आगे बढ़ने नहीं देगा। आप जरूरी है कि आप अपनी बात रख सकें, जब तक आप रखेंगे नहीं तो घर का या अपने देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो अच्छा विपक्ष बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोग जरूरी हैं। मोदी जी अच्छे नेता नो डाउट, अमित शाह अच्छे नेता हैं नो डाउट, राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं, ममता बनर्जी भी अच्छी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल भी अच्छे नेता हैं। तो क्या है, सबका होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात मेरी बात, हो सकता है कुछ बात ऐसी होंगी जो मेरी मुझे जनता सरकार की पसंद ना हो, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। हाँ, तो इनको कोई चीज़ पसंद हो ना हो, मुझे हो सकती है उस चीज़ पसंद हो, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते अपनी बात, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग होता है, तो आप सोच को किसी के ऊपर लादो मत। और देश में एक अच्छा माहौल होना चाहिए, एकता का माहौल होना चाहिए, हम सब मिलजुल के रहते तो ये माहौल हमेशा चलना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा। और ये मेरे ख्याल से ये जो सदस्यता हटाई है इससे मेरे ख्याल से राहुल गांधी को और पब्लिसिटी मिल गई, राहुल गांधी जी को ना और पब्लिसिटी आ गई समझ लो, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोगों को इतना मतलब ये नहीं है, पर हम लोगों को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यार गलत हुआ, पब्लिसिटी मिल रही है ना। तो विपक्ष को क्या है, वो भी जो अपने सांसद जो हैं, अपने राज्यसभा सदस्य हैं या विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, एक परिवार है, वो परिवार में लड़ाई झगड़ा होती है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको घर से निकाल दो।
अब कार्रवाई करते कुछ दिन के लिए, हमारे घर वाले बोलते बाहर निकल जाओ, इसका मतलब ये तो ना घर वालों ने हमको बाहर निकाल दिया, तो ऐसा नहीं होता, वो एक परिवार है।